नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा बच्चों का भविष्य अंधकार में किया जा रहा है। बच्चों को किताबें और सिलेबस नहीं मिला है। आज सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि अभी तक बच्चों को वैक्सीनेशन भी नहीं लगी है। सभी बच्चे अपने भविष्य को लेकर डिप्रेशन में हैं। ऐसे में अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बच्चों द्वारा सीएम केजरीवाल और एजुकेशन मिनिस्टर को शिकायत भेजी गई है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। बच्चों की बात सुनना तो दूर, उनके शिकायत सुनने भी कोई नहीं आया। सभी NIOS के बच्चे चाहते हैं कि उनके पेपर तुरंत कैंसिल किए जाएं। और उसके ऊपर जल्दी न्याय किया जाए, उसके ऊपर जल्दी फैसला लिया जाए। धन्यवाद। साथ ही हम लोगों के रीजन्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि विदाउट रीजन हम यहाँ बैठे हुए हैं। बच्चों की बुक्स उनके पास नहीं पहुंची है, उनकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं हुई हैं, तो इस सिचुएशन में बच्चे बताओ कैसे इतना बड़ा सिलेबस मतलब जो है स्टडी करके वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो मांग है हमारी, मतलब हम ये भी नहीं कह रहे कि बिल्कुल आप कैंसिल भी नहीं करते, तो कम से कम कुछ छूट दीजिए। या तो आप जो है MCQ फॉर्म में पेपर दीजिए या फिर सिलेबस को रिड्यूस करिए, तो कुछ ना कुछ आपको छूट तो ज़रूर देनी ही पड़ेगी। तो इतने सारे रीज़न हैं आप लोगों के पास, और इधर से उधर टालमटोल की जा रही है। हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई आप जो है सुनो हमारी बातों को। आप देखिए छोटे बच्चे के साथ आए हुए हैं, प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम एक लेटर 27 तारीख को दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें अक्टूबर नवंबर के इम्तिहान के लिए चेयरमैन को चिट्ठी दी हुई थी, जिसमें बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, ठीक है, जिसमें बच्चों को सिलेबस के लेके कंसर्न है, सेंटर को लेके कंसर्न है, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। तो पिछले तीन आप हफ्ते से जो है वो मारामारी चल रही है। कम से कम आप जवाब तो दो, हाँ ना मुझे जवाब दो। आप बुक्स नहीं है, सभी कुछ प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, उसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। रिप्लाई तो बनता है ना।